अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम जवाद है और इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम देखेंगे कि एमएस एक्सेस 2019 को हम क्यों यूज़ करते हैं और एमएस एक्सेस जो है हमारे बिजनेस में, हमारे डेली लाइफ रूटीन में कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। तो चलें आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि एमएस एक्सेस की जो ट्रेनिंग है हम लेंगे 2019 की, ठीक होगी। लेकिन अगर आपके पास 2019 का वर्जन मौजूद नहीं है तो आप 2016 को भी इंस्टॉल करके जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ज़्यादा इतने ख़ास फीचर्स वगैरह नहीं है। लेकिन अगर आप मार्केट से जाकर 2019 का वर्जन लेकर आ जाएंगे और मेरे साथ साथ चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है आसानी रहेगी, आपको परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा देखें स्टूडेंट्स के एमएस एक्सेस हमारे किस काम आ सकते हैं, तो हमारा जो बिजनेस है उसमें काम आ सकता है एमएस एक्सेस, और हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के मिसाल के तौर पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है, हमारे एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड रखने हैं, किस स्टूडेंट की कब कब फीस आई है और किस किस टीचर्स को हमने कब कब फ़ी पे की है। इसके अलावा हमारे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, गैस चार्जेस, इसके अलावा हमारी जो है सैलरीज दूसरे लोगों की, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, आप जिस किसी का भी रिकॉर्ड अपने पास रखना चाहते हैं ना, जो कि अमूमन हम लोग रजिस्टर्स में या फिर कापी किताबों में रखते हैं, उसे आप कंप्यूटराइज रखना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एम एस एक्सेस सबसे बेस्ट है। कैलकुलेशन करनी है तो एक्सेल करें, और अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन बनानी है तो एम एस वर्ड यूज़ करें। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ सेव करके रखनी है एज आ डॉक्यूमेंट, तो आप हमेशा एम एस एक्सेस का सहारा लेते हैं। आप इन्हें ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, वर्क प्लेस यानी कि छोटा सा आपका कोई पिज़्ज़ा शॉप है या बर्गर शॉप है या फिर आपकी कोई छोटा मोटा सा कोई सा भी बिजनेस है, उसके लिए आप एम एस एक्सेस यूज़ कर सकते हैं। अच्छे खासे बिजनेस के लिए भी यूज़ हो जाता है एम एस एक्सेस, कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही छोटा सा कोई बिजनेस हो, बड़े बिजनेस के लिए भी एम एस एक्सेस यूज़ किया जा सकता है। और अगर आप इसे प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट यानी कि अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है जैसे कि पाइथन हो गया, डॉट नेट हो गया, जावा हो गई, तो अगर ये लैंग्वेजेस भी अगर आपको आती है तो आप एम एस एक्सेस को एज अ डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर देखें मिसाल के तौर पर जब मैं आपको ये सीरीज़ जब सिखाऊंगा तो आपको कोई भी परेशानी वगैरह हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सेटिस्फाई कर सकूं, अगर मैं जवाब देकर सेटिस्फाई ना कर सका तो मैं कोशिश करूंगा कि उसकी वीडियो भी बनाकर दे दूं, ठीक है। वो FAQ का मैं कोई प्लेलिस्ट बना दूंगा और जिस किसी का भी सवाल होगा उसको तो वो लिंक दे दिया जाएगा, लेकिन एक FAQ की मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसके अंदर मैं तमाम स्टूडेंट्स के सवाल के जवाब दे पाऊंगा। इसके अलावा देखें स्टूडेंट्स, मैं अगर किसी फाइल पर काम करूं तो वो डाउनलोड रिसोर्स फाइल जो है आपको हमारी जो वेबसाइट है INTH.PK, ठीक है, उसके ऊपर आपको जो है एक्सरसाइजें मिल जाएंगी। मैंने MS Word की भी मैं सीरीज़ बना रहा हूं, MS Excel की भी सीरीज़ बना रहा हूं और MS Excel पूरे MS की बनाऊंगा जिसके अंदर वन नोट भी होगा, आउटलुक भी होगा, पावर पॉइंट भी होगा, पब्लिशर भी होगा, तमाम की बनाएंगे, लेकिन सबकी एक्सरसाइज फाइल जो है हमारी वेबसाइट पर मौजूद होगी। ये हर किसी का मैं वर्ड की अलग, एक्सेल की अलग और एक्सेस की अलग जो है लिस्ट यानी कि डाउनलोड फाइल है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ये लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स होता है उधर भी अवेलेबल कर दूंगा। आप वेबसाइट के थ्रू भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जबकि आप हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि एम एस एक्सेस को स्टार्ट कैसे करते हैं। एम एस एक्सेस को स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप सिंपली क्या करें, अपने जो सर्च बॉक्स होता है आपकी विंडोज़ का उसके ऊपर क्लिक करें और ये सर्च बॉक्स का पॉपअप बॉक्स जैसे ही आएगा आप सिंपली यहाँ पर लिख दें एक्सेस लिख दें। जैसे ही आप एक्सेस लिखेंगे तो देखें ये वाला आइकन आपके सामने आ जाएगा, आप सिंपली इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, ये एम एस एक्सेस का जो सॉफ्टवेयर है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखें इस तरीके से आपके पास ओपन होगा। मैं बस ये ओपन करके ये ओरिएंटेशन जो क्लास है इसको ख़त्म करते हैं, हम अपनी मुकम्मल क्लासेज जो है नेक्स्ट क्लास है जो है स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।